Good morning, students. Let's start the further reading of Chapter 1 of Civics, the Constitution. Open your books at page number 4. Indian Constitution. We made our constitution on 26 November 1949 and enforced it on 26 January 1950. This marked the end of an era, the era in which India had been governed by the Act of the British Parliament. हमारे देश का संविधान ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को बना और ये जो लागू हुआ वो ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को हुआ यह जो एरा था ये जो युग था हमारे देश में से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हमारे देश में उस टाइम पर गवर्न करती थी उसके एंड का युग था स्ट्रगल फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोटी सेवन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम टू एन एंड आफ्टर अ प्रो लॉन्ग स्ट्रगल बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद हमारे देश में से ब्रिटिश राज का अंत हुआ 15 अगस्त 1947 में इट वॉज़ ऑन 26 जनवरी 1930 थर्टी वेन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि जो हमारा लक्ष्य है इंडिया का जो लक्ष्य है स्ट्रगल करना अपनी फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्या है हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाना एवरी ईयर सिंस देन ऑन द सेम डे दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे उसी साल से सेम देन ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं ऑल ओवर नेशनल एफर्ट्स फॉर डायरेक्ट टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो इसी गोल को अचीव करने के लिए है। कौन सा गोल था हमारा अचीव करना पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिटेंट असेंबली द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ऑर्गनाइज टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमें फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को आज़ादी मिली उसके बाद एक संविधान सभा बनाई गई कि जो भारत में नया संविधान बना सके दिस वॉज डन इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशन जो किसके अकॉर्डिंग बनाई गई कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनाई गई इन जुलाई 1946 इलेक्शन वर हेल्ड टू इलेक्ट द कॉन्सिटेंट असेंबली कॉन्स्टेंट असेंबली को बनाने के लिए इलेक्शंस हुए 1946 फोर्टी सिक्स में जिस द मेम्बर्स नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिलेटिव असेंबलीज और जो इसके मेंबर्स हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लि असेंबली प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिटेंट असेंबली और इसके जो प्रेजिडेंट बनाए गए वो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देयर वर इन ऑल थ्री एटी नाइन मेम्बर्स हाउ एवर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री नाइनटीन फोटी सेवन द कॉन्स्टेंट असेंबली वॉज लेफ्ट विद्री हंड्रेड एट मेम्बर्स इसमें जो मेम्बर्स थे वो थ्री एटी नाइन थे लेकिन पार्टीशन के बाद जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ नाइनटीन फोर्टी सेवन में इसमें थ्री हंड्रेड एट मेंबर्स बचे स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टेंट असम्बली कॉन्स्टेंट असेंबली की क्या स्थिति थी द कॉन्स्टेंट असेंबली हैड बिन क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो संविधान सभा थी वो बनाई गई किसके अकॉर्डिंग जो कैबिनेट मिशन ने प्लान बनाए और किसके डायरेक्शन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसकी डायरेक्शन में बनाई गई कॉन्स्टेंट असेंबली इट वॉज नॉट अजन कंस्टेंट असेंबली ये एक सुवरिजन कंस्टेंट असम्बली नहीं थी सवरिजन so, क्या होती है कि जिसमें कोई और सोवरिजन so क्या होता है जिसमें कोई और कंट्री हमारे पर कंट्रोल ना कर सके हाउ एवर वेन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास एंड इंडिया बिकेम फ्री ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और इंडिया जब फ्री हुआ फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को द कंस्टेंट असेंबली बिकेम द सोवरेजन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असम्बली और फ्री और एंड इंडिपेंडेंट इंडिया तो जो कंस्टेंट असम्बली थी वो एक क्या बन गई सोवरेजन कंस्टेंट मेकिंग असम्बली बन गई जिस पर अब और किसी का कंट्रोल नहीं था फ्री और इंडिपेंडेंट इंडिया की वो एक कॉन्स्टेंट असम्बली बन गई द कॉन्स्टेंट असम्बली है टू मेजर टास्क टू परफॉर्म नेमली जो कंस्टेंट असेंबली थी उसके पास दो मेजर टास्क थे फर्स्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो आजाद भारत था उसके लिए संविधान बनाना टू वर्क एज द हाइस्ट लॉ मेकिंग बॉडी दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू फ्रेम न्यू लॉज फॉर इंडिया आफ्टर फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन और क्या बनाना एक इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाना हाई हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी बनाना जो क्या करती है हमारे देश के लिए कानून बनाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन के लिए ये दो काम थे किसके पास कॉन्स्टिटेंट असेंबली के पास नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन On thirteenth December nineteen forty-seven, Pandit Jawaharlal Nehru took a first step towards the making of the Constitution when he moved his important objective resolution in the Assembly. It laid down the basic principles of ideals and objectives which were to guide the Constitution makers in the making of the Constitution of India. Thirteenth December nineteen forty-seven Pandit Jawaharlal Nehru ne pehla step कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को बनाने के लिए उन्होंने अपना संकल्प जो उद्देश्य उनका संकल्प था संविधान बनाने के लिए वो उन्होंने असेंबली में पेश किया जिसमें हमारे सिद्धांत क्या होने चाहिए हमारे आदर्श क्या होने चाहिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए ये पेश किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन द मेकिंग ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया किसके आगे जो संविधान बनाने के लिए जो हमने मेंबर्स थे चुने थे उनके सामने उन्होंने अपना ये एक ऑब्जेक्टिव पेश किया कंस्टेंट असेंबली अ गलेक्सी ऑफ बेस्ट इंडियन जो कंस्टेंट असेंबली थी वो एक गलेक्सी थी गलेक्सीज जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं सो बेस्ट इंडियंस की वो गलेक्सी थी हमारी कॉन्सटेंट असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड येट इट कंसिडर्ड ऑफ द बेस्ट प्रियंस ऑफ इंडिया इसमें जो बेस्ट ब्रेंस थे इंडिया के वो इसके मेम्बर्स थे दे केम फ्राम डिफरेंट कम्यूनिटी रीजनस पोलिटिकल पार्टी लीगल एक्सपर्ट सब इसके मैंबर्स थे मैनी पोलिटिकल लीडर और इट मम्बर्स बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो थे इंपॉटेंट पॉलिटिकल लीडर वो 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 भी इसके मेम्बर्स थे जिनके नाम हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिसर सरोजनी नायडू सरदार बलदेव सिंह और इट्स इंपॉर्टेंट मेम्बर्स हु गाइडेड द डिस्कशन इन द कॉन्सेंट असेंबली ये सब इसी के मेम्बर थे कॉन्स्टेंट असेंबली के देर आर मोर देन थर्टी मेंबर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट माइनॉरिटी लाइक द एंग्लो इंडियंस हैड फ्रेंक एंथनीटिव इसमें थर्टी मेंबर्स से ज़्यादा किसको बिलोंग करते थे शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़ को उनको रिप्रेजेंटेटिव कौन थी फ्रैंक एंथनी पारसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे एच पी मोदी सम कॉन्स्टेंट एक्सपर्ट्स लाइक अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एम मुंशी वर ऑल्सो देयर ये सब भी इसके मेंबर्स थे कॉन्स्टेंट असेंबली के मिसेस सरोजनी नायडू एंड मिसेज विजयलक्ष्मी पंडित द टू लीडिंग वुमेन ऑफ इंडिया वर आल्सो इन द कॉन्स्टेंट असेंबली ये दो मोस्ट लीडिंग वुमेन थी इंडिया की मिसेस सरोजनी नायडू एंड मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित वो भी कॉन्स्टेंट असेंबली की मेंबर्स थी द अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी अब किसकी अपॉइंटमेंट की गई ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी जो संविधान का प्रारूप तैयार कर सके उसके लिए अपॉइंटमेंट की गई ऑन ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन द कॉन्स्टेंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान सभा थी उसने एक कमेटी तैयार करी ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उसके मेंबर्स थे एन गोपाला स्वामी अलदी कृष्णा स्वामी अयर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सैदुल्ला ये सब इसके मेंबर्स थे द ड्राफ्टिंग कमेटी कोऑर्डिनेटेड द रिपोर्ट फ्रॉम द अदर कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्सटेंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई वो अदर जो कमेटी हैं उनसे रिपोर्ट लेकर उन्होंने एक कोऑर्डिनेट किया अपॉइंटेड बाय द कॉन्सटेंट असेंबली जो किसने बनाई थी कॉन्स्टेंट असम्बलीज ने जो कमेटीज़ बनाई थी उनसे मिलकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी ऑन ट्वेंटी फर्स्ट फेबररी नाइनटीन फोटी एट इट प्रजेंट इज फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी फर्स्ट फेबररी नाइनटीन फोर्टी एट को उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट तैयार करी संविधान के प्रारूप की उन्होंने एक पहली रिपोर्ट तैयार करी इट वॉज देन डिस्कर्स इन द कॉन्स्टिटेंट असेंबली उसके बाद इसको कहाँ डिस्कशन किया गया इसका कॉन्स्टिटेंट असेंबली में पैसेज ऑफ द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द डिस्कशन ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट जो पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई थी जो पहली प्रारूप बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर डिस्कशन करने के बाद एक दूसरी रिपोर्ट तैयार करी गई कंस्टेंट असम्बली ऑन फोर्थ नवंबर नाइनटीन फोर्टी एट और कहाँ कब प्रेजेंट करी गई वो कंस्टर्न असम्बली में फोर्थ नवंबर नाइनटीन फोर्टी एट को अ प्रीलिमिन डिस्कशन ऑन दिस ड्राफ्ट वॉज हेल्ड अगेन फ्रॉम फोर्थ नवंबर टू नाइन्थ नवंबर नाइन्टीन फोर्टी इस पर प्रारंभिक डिस्कशन किया गया इस प्रारूप पर फोर्थ नवंबर से नाइन्थ नवंबर नाइनटीन एट दे आर आफ्टर ईच आर्टिकल ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज थॉर थॉर्ली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द कॉन्स्टिटेंट असेंबली जितने भी आर्टिकल उस ड्राफ्ट उस कंस्ट संविधान में ड्राफ्ट किए गए थे उस जो रिपोर्ट थी उसमें बनाए गए थे उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था उस पर डिस्कशन किया गया उस कंस्ट कॉन्स्टिटेंट असेंबली में फ़िफ्टीन नवंबर नाइनटीन फोर्टी एट से सेवनटीन अक्टूबर नाइन्टीन फोर्टी नाइन तक उन सभी जो प्रारूप बनाया था संविधान का उस पर डिस्कशन किया गया मेंबर मूव सेवन थाउजेंड सिक्स थर्टी फाइव अमेंडमेंट्स मैंबर्स ने उस पर कितने अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स क्या होती हैं चेंजेस कितने चेंजेस करे सेवन थाउजेंड सिक्स थर्टी फाइव डिस्कशन ऑन डिस्कशन चलता रहा टू थाउजेंड फोर सेवनटी थ्री अमेंडमेंट मोशन वॉज है उसके बाद दोबारा से टू थाउजेंड फोर सेवेंटी थ्री चेंजेस किए गए देन फ्रॉम फोर्टीन नवंबर नाइनटीन फोटी नाइन से ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन द फाइनल डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड उसके बाद उस जो संविधान का प्रारूप था उस पर डिस्कशन चलता रहा द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास और जो संविधान का फाइनली जो पास हुआ वो कब हुआ ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को वेन इट वॉज साइन बाय द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अदर मेम्बर उसके पास होने के बाद उस पर साइन हुए प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के और उसके जो बाक़ी मैंबर्स थे टाइम्स स्मेंट टाइम स्पेंट, द टोटल टाइम टेकन फ्रेमिंग ऑफर कॉन्स्टिट्यूशन आर टू ईयर इलेवन मंथ एंड एटीन डेज वी कैन से नियरली थ्री ईयर्स वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डेज वर डिवोटेड टू डिस्कशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को बनने में दो साल ग्यारह महीने अट्ठारह दिन लगे नियरली हम तीन साल कह सकते हैं वन हंड्रेड फोर्टीन वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डेज जो है डिवोट किए गए इसके जो डिफरेंट एक्सपेक्ट्स थे उस पर डिस्कशन किया गया हमारे संविधान को बनाने के लिए इन सभी एक्सपेक्ट्स पर डिस्कशन किया गया तब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू इराबिकस अब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ वो लागू हुआ और हमारे देश में एक नया युग स्टार्ट हुआ टिल अगस्त 14, 1947 मिडनाइट मिडनाइट 1949, 14 अगस्त से When transfer of power took place from British hand to Indian hands, British hands में जो power थी वो किसके हाथ में आई Indian hands में Lord Mountbatten became the first Indian Governor General और जो Lord Mountbatten थे वो पहले Indian Governor General बने After the Constitution came into force, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ Doctor Rajendra Prasad who was the President of Constituent Assembly जो हमारे संविधान सभा के president the, became the first elected president of the republic of india in 1952 republic india 1952 president this is how free india made its constitution इस तरह से हमारे आज़ाद भारत ने अपना संविधान बनाया बाय विच वी आर नाउ बी गवर्न जिसके अकॉर्डिंग हम आज तक गवर्न कर रहे हैं दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा ये जो है हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत थी फर्दर हम रीड करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में प्रेम